जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आज हम नवे श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्य का वर्णन किया। अब भगवान उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। चौथे अध्याय के नवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब वो पहले समझते हैं कि भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना क्या है। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण के द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए, जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत के कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्य आदि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंचन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य ना समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वअंतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असहनीय हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। अब समझते हैं भगवान के कर्म दिव्य हैं, इस बात को तत्व से समझना क्या है। भगवान सृष्टि, रचना और अवतार, लीला आदि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। वे लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही मनुष्य आदि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तव्य भाव ना रहने के कारण वास्तव में ना तो कुछ भी करते हैं और ना उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फल में किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है, वह लोक हितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्व साधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेम पूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं।
और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति अहंकार और कामना आदि दोषों से सर्वथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने के लिए नीति धर्म शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत है। इस बात को भली भांति समझ लेना, इसमें किंचन मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात वह भी सबके साथ दया समता धर्म नीति विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। अब मन में यह जिज्ञासा आती है कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या फिर इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर अगर दोनों की दिव्यता समझ ली जाए तो इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। इस कथन से भगवान ने भी यह भाव दिखलाया है कि वह पुनर्जन्म को ना प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको यानी कि भगवान को ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब मन में यह प्रश्न आता है कि यहाँ जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वाले को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई है, तो क्या उसे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म में भगवान नहीं मिलते, वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। राधे राधे।